सात अमेजिंग किचन टिप्स ट्रिक्स घरेलू महिलाओं के रोजमर्रा वाले किचन और घर के काम होंगे आसान। एक, छेना बनाने के बाद आप उसे पानी को नहीं फेंकेंगे। इसे रोटी या परांठे के आटे में गूंथने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो अधिक स्वादिष्ट और मुलायम बने। दो, पकोड़ों के लिए बैटर तैयार करते समय उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे ताकि पकोड़े ज्यादा क्रिस्पी हों। तीन, पुरानी या बासी ब्रेड को पीसकर एयरटाइट डिब्बे में रख लें। इसका बाद में कटलेट या कबाब बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टूटेंगे नहीं और स्वादिष्ट बनेंगे। चार, किसी भी मिठाई को तैयार करते समय उसमें एक चुटकी नमक डालें, इससे स्वाद और ज्यादा उभरेगा। पाँच, चावल पकाते समय उनके पानी में एक चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू के रस का भी इस्तेमाल करें ताकि चावल खिले खिले और बिल्कुल सफेद बने। छह, किसी भी ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते समय उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी मिला दें। चीनी कैरमलाइज होकर ग्रेवी को अच्छा कलर देगी और स्वाद भी। सात, पूरियों को तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इससे वे तालते समय अधिक तेल नहीं सोखेंगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आपके सवाल या सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे और कैसे हम बेहतरीन टिप्स प्रस्तुत कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही घंटी आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप हमारे नए टिप्स और वीडियोस से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद। जय गुरु जी।